नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, आज दो खबरें हैं, अहम खबरें हैं। पहली, आपको मुबारकबाद जो आप सभी ने सहयोग दिया। आप सहयोग के सदके हमारी जितनी वन जेड गाड़ियां हैं टैक्सी, वह झुंझली से बुराड़ी जाने का ऑर्डर आज पास करवा दिया है। काफी समय से ये परेशानी चल रही थी, जो कि आप सभी साथियों के पूर्ण सहयोग के बदौलत आज परिवहन पंचायत संयुक्त संघर्ष समिति इस कार्य को करवाने में सक्षम हुई। दूसरी अहम खबर, जब हमने संयुक्त संघर्ष समिति का नाम दिया, संयुक्त संघर्ष समिति के अंदर ऑटो से लेकर ट्रक तक सभी सेगमेंट आते हैं, ऑटो, टैक्सी, बस, टेम्पू, ट्रक। जहां आज सफलता मिली है बारी बारी करके, जहां पहले ऑटो, फिर काली पीली टैक्सी, फिर बनाटी, हाँ बुराड़ी वापस आई और आज वनजड़ आ गई। अब लड़ाई रह गई है जो बाकी गाड़ियां रह गई हैं वहां पर, उनको वापस लाने की। इसी संदर्भ में आज डीसीबीए के ऑफिस में संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें डीसीबीए, एटा, जिसमें कृष्ण यादव जी, बॉबी बख्शी जी, उनके साथी, डीजीटीए गोल्डी जी, उनके चेयरमैन साहब, दिल्ली ऑटो टैक्सी महासंघ के राजेंद्र सोनी, किशन वर्मा जी, बलबीर जी, दिल्ली एनसीआर टेम्पो यूनियन के श्याम सुंदर जी, नोनी जी आजादपुर मंडी से, ट्रांसपोर्ट नगर एसोसिएशन से संगा जी व उनके साथी, डीसीबीए से हरीश अग्रवाल जी, उनके अध्यक्ष महोदय और उनके साथी, ये सभी लोगों ने बैठक में भाग लिया। और इस बात पर पूर्वजर एक सहमति बनी, जिसमें यह कहा गया कि जो संयुक्त संघर्ष समिति हमारी परिवहन जगत की है, वह सब एक हैं, ऑटो, टैक्सी, टेम्पू, ट्रक, बस, हर सेगमेंट से सभी लोग ने यह आश्वासन दिया कि आने वाले हफ्ते के अंदर हम लोग माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री को एक पत्र देंगे, उपराज्यपाल को एक पत्र देंगे, वह दिल्ली सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे और कारण झुलझुली जो कि कत्लगाह बन चुका है उसको समाप्त करने की हमारी एक सूत्रीय मांग है। दोस्तों, आप परिपक्व हैं, हमारे जितने साथी हैं अलग अलग यूनियन, एसोसिएशन या जिस भी प्लेटफॉर्म से, जिससे जो बात बनी उसने वहां प्रयास किया। किसी भाई ने पेनल्टी का जिक्र किया, किसी भाई ने वहां जो गुंडागर्दी है उसका जिक्र किया, किसी ने वहां अव्यवस्था का जिक्र किया। हाल फिलहाल आपने देखा कि जहां सरकारी गाड़ियां लूटकर खेतों में मिली, वहीं पर जहां चालकों से लूट हुई, मालकों से लूट हो रही है, उसके साथ साथ ही अब वहां के एक अधिकारी का भी बुरी तरह पीटा गया, जो कि बहुत ही अमानवीय है। इन्हीं सब बातों को लेकर आज संयुक्त संघर्ष समिति ने एक बैठक करी। परिवहन के सभी जितने भी लोग हैं, चाहे वो स्पेयर पार्ट वाले हैं, टायर वाले हैं, मैकेनिक्स हैं, सभी के परिवार, जिनकी गिनती 40 लाख से अधिक दिल्ली के अंदर है, उन सभी ने निर्णय ये लिया कि अगर हमारा दिल्ली सरकार ने जो हमने एक सूत्रीय मांग रखी है उसको स्वीकार नहीं किया, तो हम दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार का विरोध व बायकॉट करेंगे। साथियों, हम लोग कमेरा वर्ग से आते हैं, काम करने वाले हैं, सभी लोग जितने हैं, चाहे वो कार्यालय में बैठ के काम करते हों,
चाहे स्वयं गाड़ी चलाकर कार्य करते हो, लेकिन हम लोग स्वयं अपना रोजगार खुद करते हैं। और जैसे एक सीधी सी उदाहरण मैं दे दूं कि रोज कुआं खोते रोज पानी पीते, हालात ज्यादा अच्छे नहीं है, नेता प्रति कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई बात चली आ रही है, कुछ फैसले हमारे पक्ष में आते हैं, कुछ विपक्ष में आते हैं। जैसे आज एक और फैसला छोटा सा आया, वो भी आपके सामने मैं आपको अवगत करा दूं कि जहां ये दुखदाई है वहां कुछ अच्छी बातें भी हमें मिली हैं। वह यह मिली है कि दिल्ली सरकार ने ये तय कर दिया कि दिल्ली के अंदर जो भी वाहन बिकेगा, पैसेंजर व्हीकल की बात मैं कर रहा हूं, उस वाहन के अंदर मैन्युफैक्चर या डीलर, जो वाहन दिल्ली के अंदर बिकेगा, दिल्ली में रजिस्टर्ड होगा, उसका वाहन निर्माता या डीलर यह सुनिश्चित करेगा कि जो भी पैनिक बटन या स्पीड गवर्नर या एबीसी कुछ भी लगना है तो सारा दायित्व विक्रेता का या मैन्युफैक्चर का होगा। इन्हीं बातों को लेके आज हमारी जो संयुक्त संघर्ष समिति थी उनमें सबने ये तय किया कि आने वाले सप्ताह के अंदर चुनाव से पहले हम लोग दिल्ली सरकार का बायकॉट करेंगे अगर उन्होंने हमारी बात ना मानी, और जो परिवहन विभाग का कार्यालय है उसके बाहर उसका ताला बंद करेंगे, उसको बंद करेंगे। इसी सब बातों के साथ आप सबको अवगत कराना था, क्योंकि ये लड़ाई अकेले इंद्रजीत की नहीं है, हरीश सब्रवाल की नहीं है, राजेंद्र सोनी की नहीं है, गोल्डी की नहीं है, बॉबी बख्शी की नहीं है, किशन यादव की नहीं है, ये लड़ाई आप सबकी है, लड़ना आपने है। कैसे लड़ना है, कितनी जीत लेनी है, अगर आज चुनाव के माहौल में भी हम जीत नहीं ले पाएंगे तो शायद हम कभी भी जीत नहीं ले पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।